अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप लोगों का द ग्रेट थिंकर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आप लोगों के लेकर आए हैं द स्टोरी ऑफ ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सिविल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स की, जो के हैं हमारे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन उर्दू व पाकिस्तान के पहले बंगाली लीडर के तौर पर मशहूर हुए, जिन्होंने पहले गवर्नर जनरल 1948 और बाद में दूसरे वजीर आजम 1953-1951 की हैसियत से मुल्क पर हुकूमत की। मैं बंगाली के एक नवाब ख़ानदान में 1994 में पैदा हुए। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। वापसी पर उन्होंने आल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली फार्म पर बतौर सियासतदान अपने सफ़र का आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर उनका सियासी करियर बंगाल में तालीम के हवाले से इस्लाहात और तरक्की की वकालत के गिर्द घूमता रहा। ताहम बाद में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में अलहदा मुस्लिम वतन के मकसद की हिमायत शुरू की। उन्होंने 1983 से 1945 तक बंगाल के वज़ीर आज़म के अहदे पर फाइज रहे। तकसीम के बाद वो मशरक़ी बंगाल के पहले वज़ीर आला बने, एक अहदा जो उन्होंने मैं जिन्ना की वफात के बाद गवर्नर जनरल 1948 के अहदे पर फाइज होने तक अपने पास रखा। 1951 में उसने गवर्नर जनरल की अहदे सर मुल्क गुलाम को दे दिया और लियाकत अली ख़ान कत्ल के बाद वफाकी हुकूमत के तौर पर वज़ीर आज़म कंट्रोल सनब हाल लिया। 5 बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने दाखली और गैर मुल्की महाजों पर हुकूमत को मुअस्सर तरीके से चलाने के लिए जद्दोजहद की, और उस दौरान उनका दौर उन्हीं मुख्तसर रहा। घरेलू महाज पर उसने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद की और फ़ौज को हिदायत की कि वो मजहबी फसादात और जमूद की वजह से लाहौर में मार्शल ला नाफिज करे। उसे अपने आबाई बंगाल में एक अवामी ज़बान की तहरीक का है सामना करना पड़ा, जो बल आखिर उसकी सूबाई हुकूमत को बंद करने का बाइस बना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी नई स्टोरी लेकर। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।